कादिर। कादिर, हम इसे नहीं भाग सकते, हमें बात करनी होगी। अब हम क्या बात करेंगे? यही कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा कादिर। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हारी फैमिली ने। कादिर, मैंने तुम्हें खुद देखा था किसी और लड़की के साथ शादी करते हुए। मैंने इसलिए शादी की ताकि सुकरान को अडॉप्ट कर सकूं। यह बस एक नाटक था। और तुम्हारा क्या, तुमने क्यों शादी की? जवाब है तुम्हारे पास। चाहे जो हुआ हो, लेकिन तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? कैसे? अब इसका क्या जवाब दोगी तुम? हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है फातिमा। तुम तुम्हारे पति के पास वापस जाओ।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, तुम अब तक सो रहे थे? हाँ, कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी। सुन रहे हो क्या? गोकर्ण ने तो कल बहुत पी ली थी, मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल आ पाएगा। लेकिन ये नहीं समझ रहा कल रात वो इतना क्यों पिया। वो थोड़ा दुखी था, भूल गए क्या तुम? अरे यार, कल मेरी हालत भी बहुत खराब थी, मैं सारी रात परेशान रहा। उफ, सरदर्द से मेरी आंखें भी नहीं खुल रही अब। हमने तुम्हें रोका था लेकिन तुम रुके नहीं। अरे नहीं, मैंने ऐसा किया था? ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। शफाक! अरे शफाक! अरे तुम, अरे क्या हुआ, फिर से शुरू हो गया? शफाक, क्या कर रहे हो तुम? देखते हैं। सुनो, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है सीधा मेरे पास आओ, लड़कियों को मुझसे बात करने के लिए मत भेजो। क्या? मैंने किसे भेजा? तब तुमने सूले को मेरे पास क्यों भेजा? डूड, मेरी बात सुनो, मैंने कल किसी को नहीं भेजा था। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो सुनो, आइंदा अगर मेरी बाइक के आसपास भी दिखे तो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी हुई कार वो भी बिल्कुल नहीं बचेगी, समझे तुम? हाँ, वरना मैं उसकी वाट लगा दूंगा, ध्यान में रखना। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो ऐसा? जो समझना है समझ लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी हिसाब पूरा कर देता हूँ। आराम से, क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ अब। अबे अंधे कहीं के कादिर सर आ रहे थे, दिख नहीं रहा था क्या तुम्हें? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है वो आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। लेट्स गो गाइस। चलो अब चलते हैं। किसी ने मिस्टर कादिर को देखा है क्या? वो यहाँ तो नहीं है लेकिन वो फ्री टाइम में कॉरिडोर में घूमते रहते हैं। क्या वो बहुत अपसेट हैं? वो लिटरेचर टीचर है डियर, वो सूफियाना टाइप के हैं, पोएट्री बहुत पढ़ते हैं तो वही होते हैं। लेकिन पहले तो वो ऐसे नहीं थे, किसी को उनसे बात करनी चाहिए। मैं तो नहीं कर सकती, कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए। वो मिस्टर अहमद के अच्छे दोस्त हैं। फातिमा नूर, मिस्टर अहमद को मिस्टर कादिर से बात करनी चाहिए। लगते रा दिल गया वे, मैनू लगता है तेनू